नमस्कार, सैटेलाइट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ डिंपल राणा। आज की खास खबर, फिल्म पद्मावत का विरोध। जिस तरह पद्मावत का विरोध एक एक कर पूरे देश में हो गया है, वहीं ये ट्रेड यूपी के महाराजगंज नगर के सक्सेना चौराहे पर भी पहुंचा, जहां क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने फिल्म पद्मावत के प्रदर्शन के विरोध में फिल्म निर्माता का पुतला फूंका। सभी ने कहा कि अगर फिल्म सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई तो सिनेमा हॉल को बंद करा दिया जाएगा। क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने संजय लीला भंसाली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि पद्मावती फिल्म का नाम बदलकर पद्मावत कर दिया गया है, जबकि फिल्म में दर्शाए गए दृश्य नहीं बदले गए हैं। फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुआ, ऐसे में क्षत्रिय समाज सर्व समाज के साथ मिलकर इस फिल्म को किसी भी सिनेमा हॉल में प्रदर्शित नहीं होने देगा। जबकि फिल्म पर कोर्ट ने 100 से ज्यादा कट लगाने के बाद फिल्म को सिनेमाघरों में संचालित करने का आदेश दे दिया है। वैसे तो महाराजगंज मुख्यालय में 2 सिनेमाघर थे जो वर्तमान में मैरिज हॉल बन गए हैं, पर जनपद के अन्य तहसील मुख्यालयों में सिनेमाघर जरूर है जो बेहद खराब कंडीशन में है। पर कोर्ट के आदेश के बाद भी लगातार करनी सेना के विरोध के साथ कई क्षत्रिय समाजों ने सिनेमाघरों को धमकी दे दी, जिसे योगी और मोदी सरकार के लिए सिनेमाघरों में इस फिल्म को संचालित कराने और सुरक्षा देने की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आने वाला समय तय करेगा कि अन्य राज्यों के बाद यूपी में भी सरकार इस फिल्म को कैसे संचालित कराती है।